हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैस्ट्रोल इंडिया कंपनी के बारे में। आज इसका रिजल्ट आने वाला है, तो अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, तो रिजल्ट को किस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इस स्टॉक में क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है, उस बेस पे आप उसका एनालिसिस जरूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी का मार्केट सिनेरियो में जो बढ़िया स्टॉक है अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देख लीजिए, जो कि 15 क्वालिटी स्टॉक्स का वीडियो है। तो ये वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वालिटी स्टॉक है, इसमें हमें बिल्कुल एवरेजिंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को भी कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आज का मार्केट सिनेरियो की बात करेंगे तो आज अगर देखेंगे तो आज के मार्केट में निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिला है, जो कि 1.73% का गिरावट है, जो कि 300 पॉइंट गिरावट देखने को मिला है। और इसी सिनेरियो में अगर हम कैस्ट्रोल इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये स्टॉक में आज के दिन में 1.59% का तेजी देखने को मिला है, और यहाँ पे डिलीवरी की अगर बात करेंगे यहाँ पे 7,25,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ पे 4,16,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी उठाया गया है, जो कि 57% का डिलीवरी है। फ्रेंड्स, बेहतरीन डिलीवरी उठाया गया है। अगर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके देखते हैं तो आज का डेट का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला था, अभी तक रिजल्ट लेकिन आया नहीं है, तो रिजल्ट के बारे में भी फिर बाद में बात करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में इसका रिजल्ट को भी एक बार एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन इस स्टॉक में मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ इसमें चार्ट पैटर्न भी डेवलप हो रहा है, चार्ट पैटर्न तो बात करेंगे, उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल भी एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर कंपनी का पीई के बारे में बात करेंगे, 16 पीई पे स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि बहुत मतलब एक बढ़िया सा वैल्यूएशन हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टिकट टाइप में बताता है, यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे भी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर आप डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड देता है। अगर एंट्री पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी बहुत बढ़िया सा है, कंपनी भी अच्छा सा कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं ये स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग भी 51% है और डेट फ्री कंपनी है। सबसे बढ़िया चीज है कि कंपनी डेट फ्री कंपनी है, एक रुपए का भी कर्ज नहीं है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई जो है 272 है, अभी स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 124 पे। अगर डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड यील्ड 2.4% का डिविडेंड यील्ड है, लेकिन जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए डिविडेंड यील्ड इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट देता है। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड यील्ड का बहुत बढ़िया सा फायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे रेवेन्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स तो बढ़िया सा ग्रोथ होते जा रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, नेट प्रॉफिट भी 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट सितंबर में देखने को मिला था, ये भी बढ़िया सा रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लास्ट चार क्वार्टर का भी हम रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पे 757 करोड़ का लास्ट चार क्वार्टर का रिजल्ट है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं सेल्स के बारे में, सेल्स 4,000 करोड़ का सेल्स है, जो कि ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अगर हम बैलेंस शीट भी देखते हैं, बैलेंस शीट भी बहुत पॉजिटिव डाटा है, जो कि डेट फ्री कंपनी है, एक रुपए का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर हम रिजर्व की बात करेंगे, रिजर्व भी हमेशा ग्रोइंग होते जा रहा है। यहाँ पे देखिए 526 करोड़ है, उसके बाद में 671, उसके बाद में 872, उसके बाद में 920, उसके बाद में 1014, बढ़िया से यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे ना, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया सा प्रमोटर होल्डिंग है, 51% है। यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे, एफआई ने थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक इंक्रीज भी किया है, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी बढ़िया सा होल्डिंग है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड है, तो उनका भी यहाँ पे होल्डिंग है 16%। अगर पब्लिक की बात करेंगे, यहाँ पे 20% होल्डिंग है। बहुत बढ़िया सा स्टॉक है, लेकिन काफी दिन से कंसोलिडेशन में है। लेकिन इसी हिसाब से एक टारगेट में बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मुझे इसी हिसाब से लग रहा है मार्केट आज गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक में है, आज आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिला है, ये स्टॉक को फ्रेंड्स आपको इमीडिएटली एक टारगेट अचीव हो सकता है। जिस हिसाब से पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है, बहुत बढ़िया सा यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न है, जो कि आपको ये जो टारगेट है ना, इमीडिएटली ये टारगेट आपका अचीव हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोजिशन बना के चलेंगे कल के मार्केट सिनेरियो में, अगर यहाँ तक होल्ड करके चलते हैं अपना पोर्टफोलियो में 139.7 तक, मीन्स 140 तक अगर अपना टारगेट लेके चलते हैं, यहाँ पे 12% का गेन मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट टर्म का टारगेट ना, बहुत जल्दी अचीव होता है, ये स्टॉक को
मैं आपको लॉन्ग टर्म की बजाय अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो आपको ये स्टॉक ले रहना चाहिए। तो आपको 12% का गेन 1 मंथ में भी अचीव हो सकता है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सा स्टॉक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में बढ़िया सा क्विक गेन हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसका नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक जरूर जा सकता है, जो कि 154 तक। ठीक है, अगर 154 तक ये स्टॉक में देखते हैं 24% का गेन आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। ये शॉर्ट टर्म में अगर आप 6 मंथ्स तक होल्ड करते हैं तो आपको ये 24% का गेन मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये स्टॉक को बाई करते हैं 1-2 मंथ्स में, 1 मंथ्स में या तो फिर 2 मंथ्स में, ये टारगेट आपका जरूर अचीव हो सकता है, जो कि 139.7% का टारगेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप खुद का एनालिसिस जरूर कर लीजिए, उसी बेस पे कोई भी स्टॉक बाय एंड सेल कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा पैटर्न डेवलप होता है जो कि बहुत अच्छा से टारगेट अचीव कराता है। फिर भी आप अगर कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, खुद का एक बार एनालिसिस करके जरूर इस स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं। फंडामेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसी हिसाब से अगर बात करेंगे तो फ्रेंड्स यही था एनालिसिस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में अभी LIC का IPO आ रहा है, अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।